एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में ना नेता है, ना नीति है और ना ही नियत है। कांग्रेस सिर्फ ट्विटर तक ही सीमित है। उन्होंने राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह को लेकर कहा कि दिग्विजय सिंह के बारे में उमंग सिंगार और कमलनाथ बहुत कुछ बहुत पहले ही कह चुके हैं और अब पूरी कांग्रेस कह रही है। वहीं उन्होंने कोरोना को लेकर कहा कि कोरोना नियंत्रण में है, तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए 27 ऑक्सीजन प्लांट तैयार किए जा चुके हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को लेकर कहा कि कांग्रेस में ना तो नेता है और ना ही इनकी कोई नीति है। कांग्रेस किम कर्तव्य विमूढ़ है, कांग्रेस में उहापोह की स्थिति है। उन्होंने कहा कांग्रेसियों की कोरोना संबंधी तीसरी लहर की चिंता से हम अवगत हुए। हमें अच्छी तरह पता है कि वह ना तो अस्पताल जाएंगे, न गरीबों को खाद्यान्न वितरित करेंगे। उनकी चिंता सिर्फ ट्विटर तक ही सीमित रह गई है। उन्होंने सांसद दिग्विजय सिंह को लेकर कहा कि इनके बारे में उमंग सिंगार और कमलनाथ बहुत पहले बहुत कुछ कह चुके हैं जिसका आज तक किसी ने खंडन नहीं किया। अब हम नहीं कह रहे हैं, पूरी कांग्रेस यह कह रही है। कमलनाथ भी दिल्ली में है, अब तो सोनिया गांधी को मान लेना चाहिए। उन्होंने कहा प्रदेश में कोरोना नियंत्रण की स्थिति में है, तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए तैयारी की जा रही है। प्रदेश में 176 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने हैं जिसमें 27 ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो चुके हैं, शेष अगले माह तक तैयार हो जाएंगे। विगत 24 घंटे में प्रदेश में 26 पॉजिटिव मिले हैं जबकि 49 ठीक होकर गए हैं। प्रतिदिन 70,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। आराम ही करना है, वो तो विश्राम की मुद्रा में ही है और जो भी सलाह देना है वो ट्वीट पे ही देंगे। तीसरी लहर की चिंता वो इतनी करते हैं, अस्पताल तो जाएंगे नहीं, किसी गरीब को खाद्यान्न बांटने जाएंगे नहीं, इसलिए उनकी चिंता से हम अवगत हुए। विश्व बंधु जी ने अभी कहा है दिग्विजय सिंह जी के बारे में, पर उमंग सिंगार जी ने तो बहुत पहले कह दिया था, उन्होंने तो पूरी बात बता दी थी, खदान माफिया, पर्दे के पीछे से सरकार, शराब माफिया, सब बोला था। और अचंभा ये है कि दोनों में से किसी ने खंडन नहीं किया आज तक बोलने तक। कमलनाथ जी ने भी 1.5 साल पहले बोला था कि मेरी सरकार इनके कारण गिरी है। अब विश्व बंधु जी बोल रहे हैं, पहले हम कहते थे तो लोग मानते नहीं थे, अब पूरी कांग्रेस कहने लगी है। अब तो मान जाए सोनिया जी, कमलनाथ जी दिल्ली गए वहीं चले जाएं, अभी तक कोई प्रस्ताव इस तरह का सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। जहां तक आपके सवाल का जवाब है, कांग्रेस की कोई नीति स्पष्ट ही नहीं है, वहां ना नीति है, ना नेता है, ना नियत है। उहापोह और किम कर्तव्य विमूढ़ कांग्रेस है, इसलिए कौन क्या कह रहा है वहां कांग्रेस में कोई मायने अब बचे नहीं। उनका आंतरिक मामला है, आप में से कोई बता सकता है कि वो किस वर्ग के? कोरोना पे लगातार नियंत्रण सरकार रखे हुए है, कल स्वयं मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से कोरोना की समीक्षा की, तीसरी लहर के पहलुओं को भी छुआ और तीसरी लहर की तैयारियों की भी समीक्षा की। ऑक्सीजन प्लांट प्राथमिकता पे रखे, 27 ऑक्सीजन प्लांट हमारे लग चुके हैं, आने वाली 15 तारीख तक इतने लग जाएंगे और अगस्त माह तक हम लगभग पूर्णता की ओर होंगे। 176 कुल ऑक्सीजन प्लांट हमें लगाना। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।